हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्तर प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि लघुत्तर प्रश्न का बहुत बड़ा रोल होता है आपका पेपर में, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम बेहतर रिजल्ट करें, बेहतर मार्क्स आए, आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक भी ना छूटे, तो बच्चों इस क्लास को आप जो है पूरी तरह से एंड तक देखें। आपको यहां से काफी जो है बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग उन क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, और आपका 100% जो आपका 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग जो है इसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एंड तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है बच्चों। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें, ठीक है। तो देखिए इसमें इसमें क्या है, इसके स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि वायु प्रदूषण है क्या। देखिए वायु प्रदूषण होता क्या है, जैसे कि धूल हो गया, धुआं हो गया, गैस आदि, जो क्या होता है मनुष्य को जो है और जंतु और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या बच्चे ये हानिकारक होते हैं, है ना। जो हम लोग जो प्रत्येक दिन जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना, जो धूलकण होता है ना मिट्टी में, मिट्टी हो चाहे धुआं हो, इन सभी को बच्चों क्या कहा जाता है, ये इसी को ही जो क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण कहा जाता है। जो वायु दूषित रहता है, ठीक है, उसी को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं, है ना, वायु प्रदूषण के कई स्रोत होते हैं, इसके बारे में आपको जाना। एक होता है क्या प्राकृतिक स्रोत होता है, क्या होता है मानवकृत स्रोत होता है। तो प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि क्या हो जाएगा, पैनी ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, धूल तूफान आ जाएगा, पैनी अग्नि इत्यादि, तथा आपका जो क्या हो जाएगा। अब अगर मानवकृत की देखिए, ये तो प्राकृतिक स्रोत की बात मैंने बताया आपको, क्या बताया, ये प्राकृतिक स्रोत के बारे में बताया। इसमें क्या आपका होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे क्या होता है कि प्राकृतिक, ये तो प्राकृतिक स्रोत हो गया, क्योंकि ज्वालामुखी क्या है, एक प्राकृतिक है आपदा। ये इससे जब विस्फोट होता है तो उससे भी जो धूलकण जो भी होता है वो क्या वायु को क्या करता है, दूषित करता है, ठीक है। उसका धूल हो गया आपका, तूफान से भी जो बच्चों क्या करता है, यानी वायु को दूषित करता है। अग्नि, अगर देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब जंगलों में आग लगते हैं तो उससे धुआं वगैरह जो भी होता है तो वो क्या किस क्या करता है, वायु को दूषित करता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत है, वायु को दूषित करता है, ये प्राकृतिक स्रोत है। और मानवकृत स्रोत की अगर बात की, जैसे कि उद्योग, कल कारखाना, फैक्ट्री से जो धुआं वगैरह निकलता है, ये क्या करता है बच्चों, वायु को दूषित करता है। और यही जो है क्या है, मानवकृत जो है ये क्या स्रोत है, किसका यानी बात कर रहे हैं आपको, वायु प्रदूषण का। मोटर वाहन से जो निकलने वाला धुआं होता है ना, तो वो भी क्या करता है बच्चों, वायु को दूषित करता है ना। बिजली घर से भी जो बच्चों वहां से जो भी धुआं वगैरह निकलता है वो सब क्या करता है, वायु को दूषित करता है। शहरी कचरा है ना, खदानों से निकली धूल इत्यादि, ये सभी क्या करता है बच्चों, वायु को दूषित करता है। तो ये हो गया आपका मानवकृत स्रोत हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो एकदम चीजों को आप लोगों को नोट करते चलना है, एक एक चीजों को हम लोग को समझेंगे। प्राकृतिक स्रोत के बारे में बताया आपको, मानवकृत स्रोत के बारे में बताया, और प्राकृतिक स्रोत में आपका क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको बताया। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा इन चीजों को, एकदम आराम से आपको रिलैक्स होकर के समझते हुए चलना है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए उद्योग की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको तो मोटा मोटे बता भी दिए कि उद्योग से आपका क्या होगा, उद्योगों से जो है अनेक प्रकार की जो है जहरीली गैस निकलता है, जैसे कि राख हो गया, धूल निकलकर वायु को क्या करता है बच्चों, प्रदूषित करता है। तो ये उद्योग से निकलता है, क्या निकलता है, जहरीली गैस निकलता है, राख निकलता है, धूल वगैरह निकल करके क्या करता है बच्चों, वायु को जो क्या करता है, दूषित करता है। जैसे उद्योग में क्या होता है कि बड़े बड़े मशीन वगैरह कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह में जो लगे रहते हैं उससे जो भी यानी क्या करते हैं, बड़े बड़े जब मशीन चलते हैं तो उससे जो धुआं वगैरह जो भी कुछ निकलता है वो सब क्या करता है, वायु को ही ना दूषित करेंगे। तो ये जो है बच्चों, ये हो गया आपका उद्योग हो गया। उसके बाद अगर मोटर वाहन से क्या निकलता है, मोनो ऑक्साइड जो है बच्चों, ये सबसे जहरीला मतलब ये होता है ना गैस होता है, और ये मनुष्य को क्या करता है, सबसे ज्यादा मनुष्य के लिए जो हानिकारक है, जो सीमा वायुमंडल में जो है छोड़ जाती है, और नगरों में 50-60% इन्हीं से होता है। सबसे ज्यादा अगर नगर में अगर दूषित करता है तो बच्चों मोटर वाहन से जो बच्चों यानी दूषित होता है ना, ये भी आप लोगों को पता है। अगर आप देखा जाए टॉप 10 में अभी जो है अपना दिल्ली जो है बच्चों टॉप 10 में आता है, किसके इसमें, वायु प्रदूषण की वजह से टॉप 10 में आता है, वर्ल्ड में पूरा टॉप 10 में आता है दिल्ली। आप सोचिए कितना प्रदूषित है दिल्ली, ठीक है। अगर बात किया जाए ताप बिजली घर, है ना, ताप बिजली घर, अगर दिल्ली में अगर आप एक बार सांस लेते हैं तो लगभग 5 से 6 सिगरेट पीने से आपको जितना हार्म होता है उससे आप जो है एक बार सांस लेने से आपका जो है बच्चों कहां यानी दिल्ली में आपका जो बच्चों अगर दिल्ली में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप समझिए कि आप 5 से 6 सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज उस जितना आपको वो दूषित करता है, 5 से 6 सिगरेट आपको दूषित करेगा, उससे उसी तरह आपको जो वहां का वायु भी आपको जो है क्या कर सकता है, यानी ये कर सकता है, हार्म कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। उसकी बात करते हैं ताप बिजली घर के बारे में बात करेंगे। ताप बिजली घरों से जो जैसे गंधक, ताप बिजली घर से क्या निकलता है, गंधक निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जाते हैं।
तो ये सब जो किससे निकलता है, बिजली घर से निकलता है, ये तापमंडल को, ये वायुमंडल को क्या करता है बच्चों, दूषित करता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या शहरी कचरा। शहरी कचरा क्या होता है कि नगरों और महानगरों से प्रतिदिन जो लाखों टन कचरा निकलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लाखों टन उसमें कचरा निकलता है और बहुत कचरा क्या होता है जला दिया जाता है, जिसका घना जो है धुआं वायुमंडल में फैलकर उसे दूषित करता है। तो देखिए शहरी कचरा से भी बच्चों क्या होता है, वायुमंडल दूषित होता है, क्योंकि जो भी वो कचरा वगैरह जलाया जाता है उससे धुआं जो निकलता है वो किसको करता है, वायुमंडल को दूषित करता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। खदानों से निकली धूल, जैसे क्या अगर देखिए खदानों को क्या होता है, जैसे पहाड़ पठार को क्या करता है, बम से इसको फोड़ करके जो बच्चों क्या उसको तोड़ा जाता है, तो जो भी उसका धूल कण वगैरह जो भी होता है वो किसको क्या करता है, वायुमंडल को ही ना दूषित करेंगे। खदानों से और पत्थरों से तोड़ने से भारी मात्रा में जो बच्चों धूल निकलता है और वायुमंडल में फैल जाता है। अगर आप लोग गए होंगे पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे तो वहां आप देखिएगा बम धमाके से जो बच्चों पहाड़ को जो है क्या करता है, तोड़ा जाता है, और उससे जो भी धुआं वगैरह निकलता है वो कहां जाता है, वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल को दूषित करता है। तो ये आप लोगों को मैंने अभी बताया किसके बारे में बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत समझने वाली है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का उल्लेख मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, प्राकृतिक स्रोत क्या है, मानवकृत स्रोत क्या, प्राकृतिक स्रोत से आपको क्या क्या जो बच्चों यानी कौन कौन दूषित करता है, और मानवकृत से क्या क्या जो है दूषित करता है। ये प्राकृतिक स्रोत जैसे कि ज्वालामुखी फटने से बच्चों, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे भी जो मतलब धूल कण वगैरह जो भी होता है तो वो भी तो वायुमंडल को दूषित करेंगे, है ना। धूल तो ऐसी करता ही है ना। तूफान, तूफान में जो भी धूल वगैरह मिट्टी होता है वो सब क्या करता है, वायुमंडल को ही दूषित करता है। अग्नि जो आप देखेंगे जंगलों में जो आग लगता है तो उससे जो भी धुआं वगैरह निकलता है किसको करता है, वायुमंडल को दूषित करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिए, यानी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है, इनके बारे में अच्छे से आप लोग इन सभी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए डियर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको देखना है ना। चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट, आप देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझना है और बहुत आसानी से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, देखिए अगर समझ जाते हैं तो। देखिए आपको तो हम इसका परिभाषा नहीं ऐसे आपको समझा रहे, मानव विकास क्या है। जैसे मानव विकास का मतलब क्या होता है, लोगों के क्या पास हो, क्या विकल्प हो, ऑप्शन हो, ऑप्शन मतलब जैसे कि अगर आप टीचर है ना, आप टीचर है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर है आपके पास बहुत सारा ऐसे ऑप्शन है, यानी विकास अगर आपका हो रहा है आपका क्षेत्र में आपके पास या आपके देश में विकास हो रहा है, आपके एक टीचर है आपको बहुत ऐसा उससे टीचर से ज्यादा आपको जो है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना आपके पास, क्या मतलब क्या ऑप्शन है, अगर टीचर का नौकरी छोड़कर कोई बहुत बड़ा इससे अच्छा अगर आपको नौकरी मिलता है तो आप उस नौकरी को पकड़ते हैं। तो ये क्या आपके पास यानी ऑप्शन है, जो आपके पास ऑप्शन है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, मानव विकास कहा जाता है। मैंने आपको बहुत बड़ा लेवल पे आपको क्या एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजों को समझना है। जैसे मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्प को विकसित करना, यानी ऑप्शन को यानी बढ़ाना, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, है ना। देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में, परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही जो बच्चों क्या कहा जाता है, मानव विकास कहा जाता है। जैसे कि इसमें आपका आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे रुपया धन दौलत में आपका यानी, है ना, उसका सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिवर्तित करने की जो है प्रक्रिया को ही मानव विकास कहा जाता है। तो चाहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्या हो, आपके पास ऑप्शन हो, बहुत सारा विकल्प हो, है ना, जो आपके साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, तो ये सब क्या है, इसी को क्या कहा गया बच्चों, मानव विकास कहा गया, है ना, जो आप बहुत ही आसान से तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप अभी वर्तमान में आप अगर क्या कर रहे हैं, आप वर्तमान में कोई मतलब पकौड़ा बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, अगर आपके पास विकास हुआ, आपका डेवलप हो रहा है, अगर आपके पास मतलब ऐसा ऑप्शन आ गया कि आप यानी आपको जॉब मिल रहा है, तो ये क्या आपका है, ये विकास ही हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, आपका धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले आप मिट्टी के सड़क पर चल रहे थे, आज आपके पास क्या हो गया, यानी आपके पास मिट्टी का भी सड़क है और आपके पास जो है मतलब पक्की सड़क भी है, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन आ गया आपके पास, यानी विकास आ गया, ये ऑप्शन जो आ रहा है यानी कि मिट्टी सड़क पर नहीं जाएंगे हम, पक्की सड़क से जाएंगे, तो ये आपके पास ऑप्शन जो है यही आपका क्या है, विकास है। ठीक है, तो ये चीज छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है। आप बात करते हैं निर्वाह कृषि क्या है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। निर्वाह कृषि क्या होता है, देखिए निर्वाह कृषि ऐसे कृषि को कहा जाता है जिसमें निर्वाह यानी जीवन, अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि में घनी जनसंख्या का कारण उत्पादक केवल जो है स्वयं जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, यानी अपने जीवन यापन के लिए स्वयं जो कृषि की जाती है उसी को जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है, यानी खुद के जीवन यापन के लिए, है ना, खुद के यानी जीवन यापन के लिए जो हम लोग कृषि करते हैं उसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें क्या उत्पाद निर्वाह स्तर पर ही जो है रहता है और बिक्री के लिए जो है अवशेष बहुत कम रहता है, बिक्री के लिए बहुत कम अवशेष होता है। इसमें बड़े पैमाने पर खेती नहीं की जाती है, यानी कृषि नहीं की जाती है, इसमें बेचने के पर्पज से नहीं किया जाता, खुद का जो है उपभोक्ता के लिए यानी खुद के लिए जो है ये इसमें तैयार किए जाते हैं। ये दक्षिणी और जो है खास करके आपको बच्चे ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी जलवायु क्षेत्र में जो है प्रचलित होता है, क्या, निर्वाह कृषि। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आई होप आप इन चीजों को समझ सकते हैं। निर्वाह कृषि ऐसी कृषि को कहा जाता है जो अपने
खुद का जीवन यापन करने के लिए जो कृषि हम लोग करते हैं उसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान है, कुटीर उद्योग जब घर के सदस्य के द्वारा, घर के परिवार के द्वारा जो हम लोग धंधा करते हैं या हम लोग जो चीजों को तैयार करते हैं, इसी को क्या कहा गया बच्चों, कुटीर उद्योग कहा जा रहा है। लघु उद्योग में बहुत बड़े पैमाने पर बेचने के पर्पज से यानी बिजनेस के पर्पज से हम लोग उसमें जो माल तैयार करते हैं उसी को लघु उद्योग कहा जाता है। तो ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन इसका परिभाषा को देखना भी बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे हम लोग कुटीर उद्योग के बारे में। देखिए, निर्माण की सबसे छोटी इकाई होता है, ये क्या होता है, कुटीर उद्योग क्या, निर्माण की सबसे छोटी इकाई होता है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है, जो स्थानीय कच्चे माल होता है उनका उपयोग करता है। साधारण औजार है ना, द्वारा घर के सदस्य द्वारा परिवार को मिल, परिवार द्वारा मिल करके वस्तुओं का क्या कर दिया जाता है बच्चों, उत्पाद करते हैं। इसमें कुटीर उद्योग में तैयार माल का स्वयं उपभोग करता है, यानी खुद अपने अपना जो क्या करता है, अपना उपभोग करता है, या इसे स्थानीय गांव बाजार में विक्रय कर देते हैं, या अपने स्थानीय गांव के बाजार में यानी क्या बेच देते हैं। इस उद्योग के दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कि खाद्य पदार्थ आपका हो जाएगा, कपड़ा, चटाइयां, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं छोटी मूर्तियां उत्पादित की जाती है बच्चों। तो इसी को क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग कहा जाता है, जो यानी बहुत कम पैमाने पर यानी छोटे पैमाने पर इस उद्योग का निर्माण किया जाता है, जो घर के सदस्य के द्वारा है ना, जो आसपास के जो कच्चे माल का उपयोग करके है ना, जो घर के सदस्य द्वारा जो उत्पाद किया जाते हैं बच्चों, इसको यानी कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपका जैसे कि आ जाएगा कपड़ा, चटाइयां, बर्तन आदि, औजार, फर्नीचर, जूते, छोटी छोटी आपका मूर्तियां वगैरह उत्पाद की जाती है। तो इसी को क्या कहा जाए बच्चों क्या कहा जाता है, इसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे लघु उद्योग की, बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लघु उद्योग आपको नाम सुनकर भी आपको लगता है कि लघु मतलब बहुत बड़े पैमाने पर करता है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुटीर उद्योग से भिन्न होता है, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है किंतु इसका कारखाना घर से बाहर रहता है। स्थानीय माल का उपयोग किया जाता है लेकिन इसका कारखाना क्या होता है, घर से बाहर रहता है। हम जो है अर्ध कुशल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करता है ना, जो क्या यानी यंत्रों का माध्यम यानी मशीनों का वगैरह का उपयोग करते हैं, है ना, मशीनों का कारखाना का घर से बाहर होता है और ये बड़े बड़े मशीनों का इसमें इस्तेमाल करके बच्चों है ना इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या क्या जाता है, रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं। इसमें जो होता है बच्चों, लघु उद्योग में बहुत बड़ा रोजगार के अवसर होते हैं, जैसे कि भारत, चीन है ना, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देश अपनी जो है जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के उद्योग में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौना है ना, मशीनों के पुर्जे, वस्त्र इत्यादि का निर्माण करते हैं। यानी लघु उद्योग में जैसे आपका आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हो जाएगा, मशीनों के पुर्जे, वस्त्र इत्यादि का निर्माण करता है। ये जो करता बच्चों, भारत हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देश जो है क्या करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं और इसमें जो बच्चों रोजगार जो है मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको लघु उद्योग के बारे में समझ गए, उम्मीद है कि इन चीजों को आपको समझ में आ गया लघु उद्योग क्या है, ठीक है। कुटीर उद्योग मैंने बता दिया आपको, लघु उद्योग के बारे में बताया। अब चलते बच्चों राजनीतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चीजों को समझते हुए चलना, राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र का नाम बताना आपको। देखिए राजनीतिक भूगोल होता क्या है, राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र है, एक तो निर्वाचन भूगोल हो जाएगा और एक सैन्य भूगोल आ जाएगा। ये चीज आपको जो बिल्कुल याद रखनी है सिर्फ, है ना, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, ये राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र है। शुष्क कृषि क्या होता है बच्चों, ये चीज आपको समझना है। देखिए शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां जो है वार्षिक वर्षा यानी वार्षिक वर्षा जो वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी प्रत्येक वर्ष में 75 सेंटीमीटर से जो जहां कम वर्षा होती है या वर्षा के अभाव में यहां ऐसी फसलें उगाई जाती है जहां जो शुष्कता को सहन कर सके, जो शुष्कता को सहन कर सके, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना है ना, ज्वार इत्यादि जो है, इन क्षेत्रों पर आर्द्रता का संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की जो अनेक विधियां अपनाई जाती है बच्चों। तो ये चीजें आपको मैंने बताया, ये है आपका शुष्क कृषि है ना, जो बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। इसमें आपका शुष्क कृषि की फसलें के नाम आपसे पूछ लेंगे तो आपको देना है बाजरा, मूंग, चना है ना, ज्वार इत्यादि, जहां कम बहुत कम बारिश होती है ना, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे क्या यानी फसल का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, चलिए उपजाया जाता है, ठीक है, जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, है ना, ओरिएंट एक्सप्रेस क्या होता है बच्चों। देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस तो आपको नाम सुनकर के ही लग रहा है कि एक रेल परिवहन है, मतलब क्या होता है ये बच्चों, ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि यह एक रेल मार्ग है, यानी एक रेल का रास्ता है जो पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है, कहां से, पेरिस तक इस्तांबुल तक जाती है। ये चीज आपको नोट कर लीजिएगा, है ना, ओरिएंट एक्सप्रेस के बारे में पूछेगा तो ये बताइएगा कि एक रेल मार्ग है और ये कहां तक है, पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक जाता है। इस मार्ग में जो है बच्चों म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और क्या होता है बेलग्रेड जैसे नगर स्थित है। इस मार्ग में जो पड़ता है बच्चों, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड जैसे नगर स्थित होता है, एकदम नोट करते चलिएगा। यह पूर्वी यूरोप
का उल्लेखनीय व्यस्तम जलमार्ग है, बहुत ज्यादा जो बच्चों व्यस्तम जलमार्ग है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर दिया है इसकी लंबाई जो बच्चों क्या है, यानी 3500 किलोमीटर है। आप देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओरिएंट एक्सप्रेस के बारे में पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि एक रेल मार्ग है, यह पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है और यह मार्ग जो है मयूनी वियना बुडापेस्ट और बिर्गेट जैसे नगर स्थित होता है। इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। इसे राइन नदी पर है ना मेमबर्ग से लेकर डेन्यूब तक जो है तक कैल्यूम तक जो है 171 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा जोड़कर बनाया गया है। इसको 171 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा इसको जोड़ करके बनाया गया है ना। यह नहर डेन्यूब जलमार्ग काला सागर से उत्तरी सागर तक जो है पहुंचाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा ओरिएंट एक्सप्रेस के बारे में। उम्मीद है कि इन चीजों को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आपके स्क्रीन पे डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें और सवारी पतन क्या है कोई दो उदाहरण दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सवारी पतन का अगर दो उदाहरण पूछेंगे तो आपको बताना बंदरगाह कहां का, जैसे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा जो अपना भारत में है, और एक सिंगापुर है ना, सिंगापुर और कोबे बंदरगाह, सिंगापुर और कोबे बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये जो बच्चों किसका यानी दो उदाहरण है, किसका यानी सवारी पतन का। अब हम लोग चलते हैं डेन्यूब जलमार्ग के बारे में देखेंगे, डेन्यूब जलमार्ग क्या होता है, क्या है। देखिए इसमें एक से अधिक जो बंदरगाह समाहित होते, एक से अधिक जो बच्चों इसमें क्या होता है यानी बंदरगाह समाहित होते हैं। बंदरगाह किसको कहा जाता है, एक्चुअल में जब हम लोग जब मैं पढ़ता था मेरे टाइम में खुद मुझसे गलती हो गया था, तो अभी तो आप लोग तो बहुत बड़े क्लास में आ गया, ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा, जब हम लोग बहुत छोटे थे जो छोटे क्लास में थे तब क्या होता है उस टाइम जो है ना आए सर आए और आकर के सवाल पूछे कि बंदरगाह के बारे में आप लोग जानते हैं, तो सर भी बताए कि आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी जाकर के हम जो है थोड़ा ओवर स्मार्ट कुछ दिखाने के चक्कर में है ना वहां जाकर के बोल दिए कि हाँ सर बंदरगाह जहां बंदर रहते हैं वहां उसको बंदरगाह कहा जाता है, पूरा क्लासरूम मेरे ऊपर हंसने लगा, ठीक है। तब उस टाइम ही हमको जो है ये इन चीजों के बारे में पता चला कि बंदरगाह मतलब क्या होता है, जो पानी जहाज जहां रुकती है उसको बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग से भी कोई ऐसा मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप लोग अच्छे से जो है इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग बहुत बच्चे हंस भी रहे अभी है ना, एक तो उस टाइम हंसा गया था फिर अभी भी हंस रहे आप लोग। चलिए तो बंदरगाह कहां होता है, जहां पानी जहाज जहां रुकती है, जैसे कि आपको है ना जहां रेल रुकती है उसको क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म कहते हैं ना, रेलवे स्टेशन कहते हैं ना हम लोग है ना। चलिए तो ये हवाई अड्डा कहां होता है, जहां हवाई जहाज रुकती है जहां जो उसको क्या कहा जाता है, हवाई अड्डा कहते हैं। उसी तरह बच्चों जहां पानी जहाज रुकती है उसको क्या कहते हैं, पानी क्या कहते हैं उसको, बंदरगाह कहते हैं। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें, इसमें एक से अधिक बंदरगाह समाहित होते हैं जहां जहां जहाज लोगों या नौभार क्या होता है नौभार के जमीन से डॉक तक जो स्थानांतरित कर सकते हैं है ना। सिंगापुर जैसे इसका उदाहरण, सिंगापुर और बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह इसका उदाहरण है, आप लोग इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। परिवहन किसे कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप लोग को समझना चाहिए, परिवहन का मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए सरल भाषा में आप जानिएगा परिवहन किसे कहते हैं बच्चों, एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम कान खोलकर ध्यान से सुनिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। परिवहन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तो हम लोग सामान को लेके जाते हैं या खुद जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, बच्चे परिवहन कहा जाता है। परिवहन जो है चार प्रकार के होते हैं है ना, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, परिवहन वस्तु तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाया जाता है इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को परिवहन कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया को ही जो क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य का इस्तेमाल भी करते हैं, पशु तथा जो है विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, इसमें सिर्फ परिवहन का मतलब आप मनुष्य के द्वारा भी परिवहन किया जाता है ना। उसके बाद क्या है यानी तथा जो आपका विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। पहले जब पहले किसका यानी आविष्कार नहीं हुआ था, जब मोटर वाहन वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग किसके द्वारा, पशुओं के द्वारा परिवहन करते थे है ना। बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे, अभी भी गाँव वगैरह में आप देखे होंगे बैलगाड़ी भी होता है ना, ऊंट गाड़ी है ना, तो इस तरह का घोड़ा गाड़ी, इसके माध्यम से क्या करते हैं, सामान लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। परिवहन में क्या मनुष्य भी आ सकता है, मनुष्य भी पहले जो है सामान को धो करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, अभी भी लेके जाते हैं है ना। तो ऐसे भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है, वाहनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान किया जाए। लेकिन अभी 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 की बात करो, वर्तमान की बात करो, आधुनिक युग में जो है परिवहन तथा संचार आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन गए हैं। इसके बिना जो है बच्चों जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। किसके बिना, परिवहन के बिना। परिवहन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी लोग जो है व्यापार नहीं कर सकता है, समय पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो परिवहन जो अभी अभिन्न अंग बन गया है ना, जैसे खाना जरूरी है उसी तरह परिवहन भी अब जो है जरूरी हो गया है ना। अब परिवहन के चार प्रकार है, बहुत ही चीजों को अच्छे से समझना है आपको। परिवहन के कितने प्रकार है, चार प्रकार है, और इन चारों प्रकारों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए चार प्रकार कौन सा, एक स्थल परिवहन हो जाएगा आपका, जल परिवहन, वायु और पाइपलाइन परिवहन, ये आपका चार परिवहन है ना, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। इसमें से आपका सबसे महंगा परिवहन जो होता है बच्चों, सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन होता है, सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन होता है।
ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा। और आप स्थल परिवहन में सबसे सस्ता परिवहन होता है कौन सा, रेल मार्ग परिवहन होता है, ठीक है, सड़क परिवहन होता है, एक रेल मार्ग परिवहन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, चार प्रकार का परिवहन होता है। इनका जो प्रयोग अंत प्रादेशिक तथा यानी जिसके प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय रूप में भी जो हम लोग इन सभी चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं परिवहन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके पाइपलाइन को छोड़कर शेष तीनों परिवहन विधाओं स्थल जल तथा आपको वायु का उपयोग यात्रियों तथा माल के परिवहन के लिए एक किया जाता है, यानी यानी मनुष्य तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। तो ये किसका, तीनों का, स्थल जल वायु, ये तीनों का होता है। लेकिन पाइपलाइन का उपयोग हम लोग जो है गैस वगैरह हो गया, है ना, जल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन प्राकृतिक गैस हो गया, ये पाइपलाइन के द्वारा हम लोग जो है क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। जहां जो है जल स्थल परिवहन संभव नहीं है, जल परिवहन संभव नहीं, वायु परिवहन संभव नहीं, वहां जो है ऐसे स्थानों पर जो है ये हम लोग पाइपलाइन परिवहन के द्वारा जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। आपका परिवहन के प्रकार हो गया और आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाजारे सब्जी कृषि नगरी के क्षेत्र के समीप क्यों रखी जाती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप इन चीजों को समझ सकते हैं। क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि बाजार में ताकि सामान को जो क्या करे, सेल कर सके, और बाजार के समीप में उसको जो है क्या होता है, सुविधा होता है। देखिए इसमें देखिए, बाजारे सब्जी कृषि फल जैसे पुष्प उगाए जाते हैं कि मांग और खपत नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है, है ना। ये जो है इसलिए की जाती है, बाजारी सब्जी कृषि नगरी के क्षेत्र में इसलिए की जाती है क्योंकि वहां जो है क्या, वो सब्जी वगैरह जो भी कृषि वगैरह होता है उसका जो है खपत नगरों में ज्यादा होती है, डिमांड उसका, मांग ज्यादा होता है ना, नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता जो है नगरीय केंद्र में रहते हैं, यानी जो ऊंचे आय वाले लोग हैं वो कहां, शहर में ही रहते हैं, तो उसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गांव में उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। जहां इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिल जाती है और कृषि के इस रूप में गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की जरूरत होती है, ऐसे बाजारी सब्जी कृषि करने के लिए क्या होती है, गहन श्रम और अधिक पूंजी की जरूरत होती है, जिसको जो बच्चों पूरा करने के लिए उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं इसको, है। चलिए आते हैं, ये कृषि नगरों के क्षेत्र ही समीप की जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग बहुत आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे, विश्व के मतलब विश्व की रोपण कृषि की किन्हीं पांच विशेषता बताएं। तो देखिए रोपण कृषि के बारे में आप लोग जानते हैं, रोपण कृषि में हम लोग क्या क्या चीजें आता है, पहले रोपण कृषि के आपको समझना है, रोपण कृषि कौन कौन सा, जैसे केला आ जाएगा, कॉफी गन्ना, है ना, चाय आ जाएगा, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अगर इसका विशेषता की बात किया जाए बच्चों, तो इसका विशेषता आपका हो जाएगा रोपण कृषि की फसल है जिसमें जो एक से देखिए इसका पहला आपको विशेषता, रोपण कृषि एक फसली कृषि है, ये एक ही प्रकार का फसल होता है, इसमें किसी एक फसल का उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। इस कृषि का क्षेत्र आकार बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही बड़ा होता है, हाँ, बागान एवं बाजार विकसित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जो है जुड़े होते हैं, है ना। किसमें आपको बता रहे हैं, रोपण कृषि में बता रहे हैं आपको। इस कृषि में अधिक उच्च प्रबंध एवं पूंजी निवेश एवं तकनीकी के आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद किया जाए तो इस कृषि का आरंभ जो है यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों में अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे कि कोको, चाय, रबर, कपास, गन्ना, है ना, केले एवं अनानास के पौधे लगाकर किया जाता है। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ गए होंगे। रोपण कृषि सस्ते किंतु कुशल एवं श्रमिकों के आधार पर की जाने वाली ये कृषि होती है, ठीक है। तो ये इसका कुछ विशेषता मैंने आपको बताया, जो आप लोग इसको 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए कुछ चीजें जो है ना आपको ना समझ में नहीं आता है, जब तक 2 से 3 बार आप लोग नहीं देखेंगे, है ना, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कुछ चीजों जो है समझ में नहीं आता है ना बच्चों। तो आपको जो है चीजों को समझना है तो आपको जो है रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, निस्वाद और संभवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन चीजों को समझना है। देखिए निस्वाद होता क्या है, भूगोल में मानव और प्राकृतिक संबंधों को भूगोल वेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सबने अलग अलग विचार व्यक्त किए, कोई निस्वाद को कोई समर्थन किया है, कोई संभवाद को समर्थन किया है। निस्वाद विचारधारा के प्रतिपादक जैसे कि हम्बोल्ट रहा, रिटर, रेडजेल, कुमारी सैंपल, ये प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये प्राकृतिक को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो निस्वाद विचारधारा के जैसे हम्बोल्ट हो गया, रेडजेल हो गया, कुमारी सैंपल, ये प्रकृति को जो है सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, है ना। हाँ, मनुष्य को प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने को ढालना चाहिए, यानी किसके द्वारा, ये जितने सारे वैज्ञानिक है ये सभी जो कहते हैं, यानी ये किसको, यानी प्रकृति के जो है सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और वह कहते हैं कि अपने अपने को जो है किसके अनुसार ढालना चाहिए, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, ठीक है। और अब आप देखिए समवाद में क्या होता है, इसमें क्या कहता है, प्रकृति के अनुसार नहीं, इसमें देखिए समवाद विचारधारा का प्रतिवादक जैसे कि लूसियन फेब्रे हो जाएगा, सलास इत्यादि, इनका जो है मानना है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, सिर्फ प्रकृति जो हमें अवसर प्रदान करती है और उसको हम लोग जो है क्या, यानी उसको परिवर्तन करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मानव उसका उपयोग
करता है और प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। मानव अपनी जो आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का उपयोग करता है। यानी समवाद विचारधारा में क्या है कि हम लोग जो है क्या कि पहले क्या होता था कि जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, जब प्रौद्योगिकी नहीं आया था, जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तब उस टाइम क्या करते थे कि जैसे प्रकृति का हम लोग सामना करते थे। अगर बारिश हो रही तो बारिश में हम लोग भीज रहे थे, उस टाइम हम लोग छाता नहीं निकाल करके अपना अपना सेफ्टी नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या है, समवाद में क्या है, हम लोग उसका क्या करते हैं, उसका सामना करते हैं, है ना, यही समवाद है। निस्वाद में क्या, हम लोग प्रकृति, जैसे प्रकृति हम लोग को चाह वैसे ही हम लोग अपने आप में अपने आप को ढालते थे। इसी को क्या कहा बच्चों, प्रकृति मतलब क्या कहा गया, इसको निस्वाद कहा गया, है ना। बहुत सारे निस्वाद के जो समर्थक जैसे कि रेडजल हो गया, कुमारी सैंपल हो गया, है ना, हम्बोल्ट हो गया, ये सब समर्थक थे किसके, निस्वाद के थे। और समवाद के कौन कौन है, मैंने बता दिया आपको, लूसियन फेब्रे हो जाएगा, है ना, तो उसके बाद सलास इत्यादि, ये इनका जो है बच्चों मानना है कि अवसर प्रदान करता प्रकृति, हमें अवसर प्रदान करता, हम लोग प्रकृति को चेंज करके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर खूब गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एसी कूलर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग उसका सामना कर रहे हैं, अभी पहले नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ये था आपको आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र के नाम आपको बताना, बहुत ही आसान है। आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र, एक संसाधन भूगोल हो जाएगा और एक कृषि भूगोल हो जाएगा। संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के जैसे खनिज, मानव संसाधन का जो है अध्ययन क्षेत्र स्तर पर किया जाता है, जैसे कि कोयला, लोह, जल, है ना, संसाधन इत्यादि। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कृषि भूगोल के अंतर्गत जैसे कि कृषि के विभिन्न प्रकार फसलों का सहस्य गहनता और अध्ययन किया जाता है, इसमें जैसे कृषि से रिलेटेड इसमें गहनता से अध्ययन किया जाता है, विभिन्न फसलों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इत्यादि इसमें आते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर्थिक भूगोल के दो क्षेत्र के नाम आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भौतिक भूगोल या मानव भूगोल में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चीजों को आपको समझना है। तो बच्चों ये हम लोग ना इसको पार्ट वन तक कवर करते हैं, इसका फिर पार्ट टू लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोग का ये पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो अगला हम जो क्लास लेके आएंगे आपका पार्ट टू में लेके आएंगे, जो बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। तो आप लोग जो है ना बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, हर चीजों को आपको देखिए, आपको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है चीजों को, है ना, समझना है। दो से तीन बार अच्छे से रिपीट कीजिए। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं ना, सबसे पहले आप लोग चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी बच्चों हेल्प हो पाएंगे। देखिए इस चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, इसलिए जो बच्चे अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग दो नंबर वाला क्वेश्चन को अगर एक भी अगर नहीं छोड़ना चाहते, तो बच्चों इस क्लास को आप लोग फिर से दो से तीन बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपको यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए यार, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।